कोण एनसीबी के सवालों के चक्रव्यूह में कैसे फंसी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दीपिका का इमोशनल ब्रेकडाउन कैसे हुआ। एनसीबी ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से जुड़े सवाल पूछे, अलग अलग सवालों को घुमा फिरा कर पूछा गया। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठा कर उनके ड्रग्स वाले चैट को लेकर पूछताछ की और इस दौरान दीपिका पादुकोण फूट फूट कर रोने लगी। एनसीबी के अधिकारियों को दोनों ने एक ही कहानी बताई और वीड के सवाल पर कहा कि ये साधारण रोल्ड सिगरेट थी जिसमें तंबाकू भरकर पिया जाता है और कोड में इसे हैश और वीड कहा जाता है। दीपिका पादुकोण पहले तो सवालों पर घबरा गई और गोलमाल जवाब देती रही, फिर सवालों पर चुप हो गई और जब सवाल थमे नहीं तो दीपिका के आंसू ही निकल आए। ड्रग्स लेने के मामले में दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे ऐसे तल्ख सवाल पूछे कि दीपिका रो पड़ी, उनके आंसू छलक आए। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स लेने के आरोप पर एनसीबी के सवालों ने दीपिका को रुला दिया। पूछताछ के दौरान दीपिका एक से ज्यादा बार रो पड़ी। जो बात दीपिका नहीं बता रही वो सच अब एनसीबी दीपिका के मोबाइल से निकालने जा रही है। वहीं ईडी ने दीपिका और उनकी मैनेजर की साल 2017 में ड्रग चैट पाए जाने के बाद एनसीबी से मामला दर्ज करने के लिए कहा था, जिसके बाद एनसीबी ने मामला दर्ज किया था। सूत्रों के मुताबिक दीपिका का फोन एनसीबी ने जब्त कर लिया है। दीपिका का फोन इस वक्त एनसीबी के पास है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दीपिका के जवाबों से एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, सिमोन खंबाटा और जया साहा के फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब इनके फोन का डाटा रिकवर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ड्रग मामले में गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर अजय उर्फ करमजीत ने एनसीबी को पूछताछ में 50 लोगों के नाम बताए हैं और अब जब्त किए गए फोन का डाटा रिकवर कर एनसीबी उन नामों का मिलान करना चाहती है। करमजीत ने 50 नामों का खुलासा किया है जिससे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब बॉलीवुड में कुछ और नामों के एक्सपोज होने का डर है। तो एनसीबी की पूछताछ में ऐसा कई बार हुआ जब दीपिका पादुकोण सवालों के जवाब देते देते रो पड़ी, लेकिन आपको बताते चलें कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण सहित सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी फोन अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे डाटा रिकवर कर सभी सवालों के जवाबों को मिलाया जाएगा और उसके बाद ही बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री अब दहशत में है क्योंकि कई बड़े नाम इस दौरान सामने आ सकते हैं।